हे हेलो वेलकम। तो दोस्तों, मानो झारखंड में शुरू हो गई है सरकारी नौकरियों की बारिश। जेपीएससी तो यार बैक टू बैक एग्जाम निकाले जा रही है। पहले तो 15 फरवरी 2021 को कंबाइंड सिविल सर्विसेज की एग्जाम, और कल 5 मार्च को असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एग्जाम। तो मेरे बहुत से दोस्त मुझे बोल रहे थे कि यार इस पर एक वीडियो बनाओ कि किस तरह से फॉर्म भरे, काफ़ी लंबी फॉर्म भरी जा रही है इसमें। हाँ, फॉर्म थोड़ी लंबी है क्योंकि ये मास्टर डिग्री वाली फॉर्म है, कि इसमें जो अप्लाई करने वाले सारे कैंडिडेट मास्टर डिग्री होल्डर होने चाहिए। तो थोड़ी लंबी जा रही है इसमें प्रोसेस है, वो इतनी भी लंबी नहीं है क्योंकि इसमें एडिशनल एक्सपीरियंस भी फिर ऐड करना पड़ रहा है। तो आइए भरते हैं फॉर्म। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में आगे दिक्कत ना हो, क्या क्या मिस्टेक जो हो रही है फॉर्म में वो आप ना करें। बहुत से कैंडिडेट सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने इस वीडियो इस तरह से बनाया है कि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए करते हैं वीडियो का श्री गणेश। तो आपको पहले जाना है गूगल क्रोम पर, उसके बाद सर्च बार पर टाइप करना है जेपीएससी, ये मैंने टाइप किया। उसके बाद जो लिंक है आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इस तरह का आपके सामने एक नया यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें टैब में लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। दो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक होंगे, पहला वाला कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर उसको वीडियो आपको देखना है तो उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। जो हमारे पास जो दूसरी लिंक है वही हमारी ओरिजिनल लिंक है, ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2021। ठीक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ये मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें लिखा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2021। यहाँ पर फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं दोस्तों, जिसमें पहला है कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 5 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 26 मार्च है 2021। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दिया है, उसके बाद क्या दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग एग्जामिनेशन फी 27 मार्च, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स 8 अप्रैल। जो 26 मार्च है दोस्तों, ये है आपकी डेडलाइन, ये है हमारी डेडलाइन। वैसे डेडलाइन कहने की होती है, डेडलाइन हमारी 23 ही मार्च हो जाएगी, क्योंकि 26 मार्च पे ये लिंक काम करना ही बंद कर देगा। आप जानते हो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं, लास्ट डेट में अगर भरा गया तो तुक्का, वरना 23 तक आप समझ के चलना कि आराम से इजिली भर जाएगा, लास्ट टाइम पे बहुत मुश्किल से फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ लेना। वैसे मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप नए हो तो रजिस्ट्रेशन करो, अदरवाइज लॉग इन कर देना। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, जहाँ जो कि 20 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। आपको 20 मिनट के अंदर ये पूरी फॉर्म फिलअप कर देनी है, काफ़ी ज़्यादा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग को टाइम उतना नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स में आपको ये फॉर्म भरने में लगेगा। पहला है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ फोटोग्राफी की पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने फोटोग्राफी की पोस्ट सेलेक्ट की। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, थोड़ा आप इधर उधर गलत मत करना दोस्तों, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके बैठ जाना और उसके अकॉर्डिंग नाम डालना। फादर्स नेम भी एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही आपको डालना पड़ेगा, कोई चेंजेस मत करना, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मदर्स नेम भी एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आना है, जेंडर में अगर आप फीमेल हो तो फीमेल, अदरवाइज मेल। ठीक है, मैरिड, अगर आप मैरिड अदरवाइज नो कर देना। आधार नंबर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आपको डालना चाहते हो तो डाल देना आधार नंबर, अदरवाइज लिव इट ब्लैंक। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट में, तो डोमिसाइल स्टेट आपका जो है, अगर वो झारखंड हो तो झारखंड पे क्लिक करना, और अगर अदर स्टेट के आप स्टूडेंट हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट हो आप, तो आप अदर करोगे। ठीक है, मैं झारखंड का हूँ तो मैं झारखंड क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर कैटेगरी पे आना है, कैटेगरी में यहाँ 5 दे रखा, UNR, EBC, BC, SC, ST, और यहाँ पे JPSC ने, चूंकि यहाँ पे सिर्फ UNR ही एक्टिव है, बाकी सारे के सारे अनएक्टिव है। ठीक है, आप देख रहे हो, तो उसमें डरने की बात कुछ नहीं है। यहाँ पे JPSC ने नोट दे रखा है कि रिजर्व कैंडिडेट कैंडिडेट्स मस्ट बी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो आप यहाँ पर UNR ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपकी यूबीसी बीसी एससी एसटी आपके टाइम पे एक्टिवेट हो चुकी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, अदरवाइज यूएनआर पर जाइएगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह से ट्राई किया तो यूएनआर ही आ रहा था, उसके बाद की 1, 2, 3, 4 जो कैटेगरी है उस कैटेगरी पर मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया था, वो ऑप्शन इनएक्टिव है। मैं दिखा दिया, क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं अनरिजर्व्ड हूँ तो मैं अनरिजर्व्ड पर ही जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है डू यू क्लेम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बींग हैंडीकैप्ड, तो क्या आप फिजिकली डिजेबल्ड हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, यस तो यस, अदरवाइज नो। नीचे का भी दो टैब जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, आपको ओरिजिनल मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव हो ताकि जो लॉगिन आईडी डिटेल्स है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए। और इसी तरह से आपको जो ईमेल भी डालनी है वो ईमेल आपकी चालू होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसी में ही गलती कर देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं लेकिन पासवर्ड भूल जाते हैं, और जब लॉगिन आईडी डिटेल्स बाद में खोजते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालें जो एक्टिव हो। यहाँ पे कंफर्म करना है आपको ईमेल आईडी, कंफर्म कीजिएगा, कॉपी पेस्ट ऑप्शन को ट्राई मत कीजिएगा, नहीं होगा, ना कंट्रोल सी काम करेगा ना राइट क्लिक काम करेगा, आपको टाइप ही करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आके अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करके डाल दिया यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग आपका एज बता देगा 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आना एड्रेस सेक्शन में, यहाँ दो एड्रेस सेक्शन है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो दोनों अलग अलग भरिएगा, अदरवाइज वो जो बॉक्स पे क्लिक करके आप दोनों सेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही टाइप करना है ताकि वेरिफिकेशन में गड़बड़ी ना हो, दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ जो एड्रेस टाइप कर रहा हूँ अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही टाइप कर रहा हूँ, आपने भी यही करना है। फिर उसके बाद आना है आपको डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है आप लिखोगे, मैंने सरायकेला खरसावां यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने आना है स्टेट में, अगर आप अब तो सराय अगर आप झारखंड स्टेट के हो तो झारखंड, अदरवाइज अलग स्टेट अपना आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने डालना है पिन कोड, चूंकि मेरा एड्रेस परमानेंट एड्रेस करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, हमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सेकंड फॉर्म भी। उसके बाद सिक्योरिटी चेक करना है आपको, यहाँ भर देना है और सेव एंड एडिट कर देना है। आर यू श्योर फॉर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, ये एप्लीकेशन अगर आप ओके कर दिए तो दोबारा आप एडिट चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार आप पूरी तरीके से कैंसिल करके इसे चेक कर लेना कि हाँ सब कुछ डेटा सही भरा गया भरा हुआ है, सब सही है, तो उसके बाद ओके क्लिक कर देना। मेरा सारा डेटा सही है, मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह में एक आ जाएगा फुल फॉर्म आपके सामने, ऐसा आ जाएगा यूजर इंटरफेस टाइप में, और उसके बाद नीचे जाके आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी से आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी हो चुका है, तो ये फॉर्म बस आपको फाइनली सबमिट कर देना। देख कर मेरे सामने आएगा यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट, प्लीज री लॉग इन। यह मेरे मोबाइल पर भी आ गया है लॉगिन आईडी और यहाँ पर भी लॉगिन आईडी दिखा रहा है, मैं उसे कॉपी करूँगा और आपका पासवर्ड जो होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया और मैं उसी पेज पर आ गया और मैं सीधा मुझे यहाँ पर लॉगिन करनी है। बगल में आप देख रहे हैं लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल भी काम कर सकता है। मैंने किया और डेट ऑफ बर्थ अब मैं डालूंगा, उसके बाद मैंने की लॉगिन। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपका बेसिक डिटेल ग्रीन टैब हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, मतलब वो फॉर्म पूरी फिल हो चुकी है उस टैब के अंदर। अब आपने आना है एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स के अंदर, यहाँ आपने करना है क्लिक, ये मैंने किया क्लिक। आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल के आएगा जो कि पूरा फॉर्म आपको भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टैब में आपको 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक भरना है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंडेटरी है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही है, मास्टर्स डिग्री वालों के लिए ही। फर्स्ट टैब में लिखा है नेम ऑफ डिग्री एंड सब्जेक्ट विद ऑनर्स, तो यहाँ आपके डिग्री लिखना है, जो 10th क्लास के हो तो आप मैट्रिकुलेशन लिखोगे, मैं यहाँ मैट्रिकुलेशन लिख रहा हूँ, या 10th भी लिख सकते हो। उसके बाद बोर्ड, अगर आप CBSE बोर्ड के हो तो CBSE, जैक बोर्ड के तो जैक, बिहार बोर्ड के बिहार, मतलब अपने आप जो बोर्ड के हो आपके है, जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिए हो उस बोर्ड से आप यहाँ मेंशन कर दो। मैं CBSE तो मैं CBSE मेंशन कर रहा हूँ। टोटल मार्क्स भर देना कि टोटल मार्क्स कितने थे बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में, मेरे 500 थे। अब मार्क्स ऑब्टेन,
मार्क्स ऑब्टेंड आप लिखना, अगर मार्क्स आपके हैं तो मार्क्स ऑब्टेंड लिख देना टोटल मार्क्स, और अगर आपके नंबर सीजीपीए में है तो आप पहले सीजीपीए को करोगे कन्वर्ट 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो आपके रिजल्ट में लिखा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जो परसेंटेज आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, जितने आपके सब्जेक्ट है उतने, जो टोटल एडिड सब्जेक्ट है उतने, बेस्ट ऑफ जो होता है ना वो बेस्ट ऑफ अपना कर लेना टोटल सब्जेक्ट। अगर आपका मार्क्स ऑब्टेंड पॉइंट में आया, जैसे कि मेरा आ रहा है, तो आपको यहाँ पॉइंट में नहीं लिखना है, पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे 400.5 था मेरा, तो 400.5 से आप ये नहीं मत राउंड अप करके 409 मत कर देना, इसे 408 रखना, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखना है, यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा, आपको खुद ही करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको डाल देना है, और सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको बताता हूँ मैं कहाँ से डालना है, बहुत लोग कैंडिडेट परेशान रहे सर्टिफिकेट नंबर के लिए, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको बता देता हूँ मैं कि कहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट हो। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर क्रमशः क्या है, एस सोल्यूशन नंबर, एस एस ई है, तो इस जगह से आपको पूरा मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर। ये मेरी 10th की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से आपको पूरा संख्या लिखना है, तो सर्टिफिकेट नंबर की संख्या है वहाँ पे ऊपर मेंशन की हुई है, आपको वहाँ पूरा लिखना है, मैंने यहाँ भर दिया है पूरा। उसके बाद आते हैं नीचे में, तो हैव यू 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस फॉरेंसिक ब्ला ब्ला ब्ला, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है फॉरेंसिक साइंस में या यूनिवर्सिटी लाइब्रेटरी में, तो आपको यस करना, यस करना ही है क्योंकि मैंडेटरी है, स्टार मार्क है यहाँ पर। उसके बाद हैव यू मिनिमम 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्लोज्ड कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बाय एनी स्टेट और गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, उसको भी यस करना है, क्योंकि आप यस नहीं करोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, कहीं आप काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है, पूरा टैब डिजेबल्ड हो जाएगा। सेम नीचे क्वेश्चन है वही यूपीएससी वाला, हैव यू बीन डिबेड बाई यूपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, हमेशा पूछता है जेपीएससी में ये, और भी पीएससी में पूछता है, तो यस तो यस, अदरवाइज नो, पूरा टैब डिजेबल्ड। फिर यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए आया है कि रिलेशन है आपका कोई है रिलेशन जेपीएससी वालों में, तो रिलेशन मेंशन कर देना, अदरवाइज लिमिट प्लान। उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में सब जानते हैं, क्लिक करना है यहाँ पर कि जो भी मैंने यहाँ लिखा है ऊपर में जो भी भरा है वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, अगर कोई भी गड़बड़ी हुआ तो मेरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, मेरे कैंडिडेचर से मेरा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा प्लेस, अब उसके बाद भरना है। और उसके बाद फाइनली सिक्योरिटी चेक, यहाँ आप भर दो और सेव एंड एडिट। अब देखो यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्या है, छूट आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा कि जो आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके बॉडी में उसे भर देना है। मेरा कट मार्क एट लेफ्ट नहीं है तो मैं यही लिख रहा हूँ। उसके बाद सेवन एग्जिट पे जाना है, यहाँ लिख के आया है पार्ट वन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके कर देना है। अब आप बारी आती है यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की, तो अपलोड फोटो, दो टैब अब ग्रीन हो गई है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की बारी आती है। तो यहाँ आपको जो फोटो है वो 15 KB से 25 KB के बीच में ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं और 15 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं, 15 से कम नहीं। सेम फॉर द अपलोड सिग्नेचर के लिए, 10 KB से कम नहीं, 15 KB से ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ चूज़ करके फाइल डाल दिया हूँ अपना फ़ोटो, यहाँ भी मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दी है। अब मैं कर रहा हूँ सबमिट पर क्लिक, ये मैंने सबमिट पर क्लिक किया, फोटो एंड साइन अपलोडेड, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ जो, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपका आता है पेमेंट प्रोसेस, तो यहाँ मैं करूँगा क्लिक पेमेंट प्रोसेस पर, और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी आफ्टर 1 वर्किंग डे। सेम ये CCE में बोला था, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम फॉर्म भरते हुए बोला था वहाँ पर। उसके बाद ही ये कंटिन्यू टू पे यूजिंग SBI कलेक्ट लिंक एक्टिवेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तब 24 घंटे बाद 12 PM के बाद ट्राई करना, 24 घंटे के 12 PM के बाद ट्राई करना, ठीक है। यहाँ कुछ अमाउंट ज़्यादा हो गए हैं, 600 CC एग्जाम में तो 100 रुपये लग रहे हैं, पता नहीं यहाँ 600 क्यों कर दिया है JPSC वालों ने, मे भी हो सकता है मास्टर डिग्री वालों के लिए 600 कर दिया, क्योंकि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 100 कर दिया है, वहाँ तो ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ करके मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन साथ जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ करके कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा कमेंट में एट इंस्टेंट, ठीक है। थैंक यू, बाय।